अस्सलाम वालेकुम, तेरे स्टूडियो में आपसे बात करने वाले को भाई इंस्टाग्राम से आप लोग कैसे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि भाई आजकल जो पैसे कमाना ऑनलाइन अर्निंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। वैसे बाकी वेबसाइट से तो आप बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है, लेकिन भाई अब जो है मतलब आपको जो बड़े जो प्लेटफॉर्म से इन पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। जैसे आपको यूट्यूब पर पता है कि भाई इस पर कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो चुका है, इस पर अर्निंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर लो तो अच्छी बात है। और भाई इंस्टाग्राम पर भी अर्निंग का मामले में थोड़ी आसान है, लेकिन भाई फिर भी इंस्टाग्राम पर थोड़ी बहुत मुश्किल। लेकिन भाई मैं इस वाली वीडियो में आपको ऐसे आसान तरीके बताने वाला हूँ जिससे आप भाई कन्फर्म अर्निंग कर सकते हो, भले आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हो, भले आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो में तीन, इसमें आपको ऐसे आइडियाज देने वाले हैं जिससे आप लोग कंफर्म अर्निंग कर सकते हो। अगर आप मतलब आपका फुल मोटिवेशन में हो कि भाई अब तो अर्निंग करनी है, क्योंकि भाई जिस चीज़ में आप दिल लगा के करते हो ना उसमें आप लाजमी अर्निंग कर पाते हो। जिस चीज़ में आप दिल नहीं लगा के करोगे, दो तीन दिन का काम है तो भाई दो तीन दिन में तो ना इंस्टाग्राम पे आपका काम होगा ना फेसबुक, कहीं से भी आप दो तीन दिन में पैसे इजीली नहीं कमा पाओगे। तकरीबन कोई 5 से 6 महीने तो देने ही पड़ेंगे इस चीज़ पर। कुछ ऐसी चीज़ें, एक दो टिप्स मैं आपको इसमें ऐसी ही बताऊंगी भाई जिससे आप लोग जो मतलब 1 महीने में ही अर्निंग कर सकते हो, और कुछ ऐसी बताऊंगा जिसमें भाई आपको 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो सबसे पहले सोर्स की बात है, तो भाई सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा मुश्किल वाले ही बताएंगे, इसलिए कि भाई इसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी का आपको कम टाइम लगेगा लेकिन इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। देखो सबसे पहले आती है हमारी स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप्स को तो हर बंदा ही जानता है भाई, आपको ये स्पॉन्सरशिप यूट्यूब वगैरह पर मिलती है, इंस्टाग्राम वगैरह पर, फेसबुक पर, जिस पे भी आपके ज्यादा फॉलोवर्स होंगे। लेकिन भाई इंस्टाग्राम मतलब जो स्पॉन्सरशिप होती है उनका अलग अलग रेट होता है, वो आपके फॉलोवर्स पर डिपेंड करती है, मतलब जितने ज्यादा फॉलोवर्स उतने ज्यादा पैसे, और इतने 5-6 हज़ार फॉलोवर्स पर आपको इतनी जल्दी स्पॉन्सरशिप्स मिलती भी नहीं। तकरीबन आपकी एक एक्टिव ऑडियंस होनी चाहिए, भले आपके 20,000 फॉलोवर्स भी हैं, लेकिन अगर आपको 3-4 या 10-12 लाइक्स आते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। तो भाई स्पॉन्सरशिप आपको ऐसे मिलती है कि भाई अगर आपके 10,000 भी फॉलोवर्स हैं, लेकिन अगर आपको लाइक्स मिल रहे हैं, 1,000 लाइक्स मिल रहे हैं, 500 लाइक्स मिल रहे हैं, मतलब आपकी अच्छी खासी एक ऑडियंस है जिससे आप मतलब इंटरेक्ट वगैरह करते हो, आप उनसे बातें वगैरह करते हो, आपकी ऑडियंस बन चुकी है इंस्टाग्राम पे, तो भाई स्पॉन्सर्स आपकी तरफ आते हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से मिलता है। अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो आपको फेयरनेस वगैरह के, जैसे वाओ वगैरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है मुंबई का निकल वगैरह जो यूज करते हैं, इनको भाई ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े यूट्यूबर्स और बड़े इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह इनके। लेकिन आपका एक नॉर्मल 5-6 हज़ार फॉलोवर्स वाला भी इंस्टाग्राम अकाउंट है तो भाई इस पे भी आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, अगर आपकी एक एक्टिव ऑडियंस है। आपकी एक्टिव ऑडियंस और मतलब ब्रांड के मतलब जो आपके वो ब्रांड का जो टॉपिक और अगर आपका टॉपिक मैच होता है तो भाई आपको कन्फर्म स्पॉन्सरशिप मिलने वाली, आपको डीएम आएगा, उसको आपको प्रमोट करना होगा, आप उसको प्रमोट करोगे, आप वो आपसे आपको कुछ पैसे देंगे, लेकिन भाई आपके फॉलोवर्स के हिसाब से होगा। अगर आपके 10-15 हज़ार फॉलोवर्स है तो भाई आप 1-2 लाख एक्सपेक्ट मत करो उससे। सबसे पहले तो आ जाती है हमारी स्पॉन्सरशिप, जैसा आपका टॉपिक होगा वैसी आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। अगर आप यूट्यूबर वगैरह से टेक वगैरह के यूट्यूबर है तो आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, आप उनको प्रमोट कर सकते हो। लेकिन भाई उसकी तो बात हो गई कि फॉलोवर्स चाहिए, ज्यादा फॉलोवर्स होंगे तो फिर ज्यादा रीच बढ़ेगी, ब्रांड आपकी तरफ आएंगे, लेकिन भाई इसमें टाइम लगता है फॉलोवर्स बढ़ाने में। तो समझ जाते हैं कि लाइट वालों की मुझसे क्या दुश्मनी, जब भी वीडियो बनाने बैठता हूं लाइट चल जाती है। तो खैर हम लोग चल लेते हैं अभी अपनी सेकंड सोर्स की तरफ। तो भाई सेकंड सोर्स हमारी ये आती है कि भाई आप लोग ना अपनी एक ई कॉमर्स मतलब मार्केट, एक ऑनलाइन स्टोर मतलब आप अपना खोल सकते हो इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि भाई डायरेक्ट आपका ऐसे स्टोर नहीं चल जाता, आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आपकी तरफ स्पॉन्सर आएंगे, लेकिन आपको लोगों को स्पॉन्सर करना पड़ेगा। जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना उनको मतलब ईमेल वगैरह करोगे, भाई आपको अपने प्रोडक्ट्स भी भेजेंगे, और भाई आपको जो ना बस आपको ये करना, हम आपको थोड़े बहुत पैसे भी दे देंगे, और आप हमारा प्रोडक्ट जो है ना मतलब सेल करवाओ, उनको हमारे लिंक दे दो इंस्टाग्राम का, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि भाई मतलब इंस्टाग्राम के जो एड्स वगैरह चलते हैं, आपने एड्स देखोगे ना इंस्टाग्राम पे, ऐसे आप चलाओ एड्स वगैरह, तो भाई इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और आपको स्टार्टिंग में तकरीबन 1 महीने में आपके काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने लग जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन भाई अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं भी होगी, लेकिन अगर आपके अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे तो भाई आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। और आप जब ये वाला पेज बना रहे हो तो भाई अपने गली वालों को, मोहल्ले वालों को, मतलब सबको बताओ कि भाई मैंने ये वाला पेज बना लिया है। अगर आपको कोई भी मतलब शॉपिंग वगैरह करनी हो, भाई वैसे आपको फ्रेंड्स वगैरह को तो पता चल ही जाता है, फ्रेंड्स वगैरह को बोलो कि भाई व्हाट्सएप पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग सेंड करो कि भाई आपके फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स हैं ना उनके पास जब ये जाएगी तो ज़्यादा लोगों तक, जैसे ज़्यादा तो लोग तक पहुँचेगी ना तो भाई आपके इससे फॉलोवर्स वगैरह बढ़ेंगे। और भाई ये ऐसे तो नहीं कि भाई यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स भी नहीं भेजते भाई सब्सक्राइब वाला, तो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, शेयर करना भी नहीं चाहिए यूट्यूब की वीडियोस वगैरह तो। लेकिन भाई इंस्टाग्राम का पेज आप जो शेयर कर सकते हो, जब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो भाई डायरेक्ट मतलब आपको स्टार्टिंग से बहुत एक अच्छा पुश मिलेगा, और इंस्टाग्राम भी आपके पेज की रीच वगैरह बढ़ाएगा, और जब उससे रीच बढ़ेगी तो भाई आपके जब प्रोडक्ट्स लोग देखेंगे, लेकिन भाई प्रोडक्ट्स अच्छे बनाना, अच्छी क्वालिटी का बनाना, ऐसा नहीं हो कि भाई आप 1500-2000 की चीज बेच रहे हो लेकिन भाई वो कपड़ा बिल्कुल बेकार है, या फिर कपड़े की बात नहीं हो रही यहाँ पर, मतलब यहाँ पर काफी चीजें आप ऑनलाइन स्टोर एक तरह का खोल सकते हो, ऑनलाइन स्टोर नहीं खोल तो आप लोगों को एसईओ
वगैरह करके दे सकते हो कि भाई मैं आपकी यूट्यूब पे एसईओ कर सकता हूँ, ऐसा पेज बना लो, या मैं आपकी यूट्यूब की थंबनेल बना सकता हूँ। अगर लोग आप तक नहीं पहुंचे तो आप लोगों तक पहुंच जाओ कि भाई मैं ये काम करता हूँ। अगर आपको करवाना है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो भाई आप ऐसे कर सकते हो भाई, उस वाली ऑडियंस तक कैसे पहुंचे। तो भाई जो बड़े यूट्यूबर्स है ना, जैसे जो इसके हवाले से वीडियो बनाते हैं कि जिससे यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें, तो भाई आप लोग उनके फॉलोवर्स में जाओ। उनके फॉलोवर्स में आपको ऐसे ही बंदे मिलेंगे जो मतलब यूट्यूब में इंटरेस्टेड है, तो उनको जाके आप डीएम करो कि भाई मैं ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो भाई आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको सस्ते में करके दूंगा। स्टार्टिंग में भाई सस्ते में करना है, जितना सस्ते में करोगे उतना ही फायदा होगा आपको। खैर तो हमारे सेकंड सोर्स आ गए, हम लोग डायरेक्ट अब चल लेते हैं अपनी थर्ड और लास्ट सोर्स की तरफ, और ये सबसे मेरे ख्याल से ईजी रहेगी आप लोगों के। थर्ड और लास्ट नंबर में हमारी सोर्स आती है एफिलिएट प्रोग्राम मार्केटिंग, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग आप लोग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का अगर नहीं पता तो एफिलिएट मार्केटिंग का ऐसे होता है, देखो यूट्यूब पे तो आपने काफी बार सुना होगा कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उस वाले प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, मैं ये वाला मैं यूज करता हूँ, मैं चीज़ें ये यूज करता हूँ। लेकिन भाई इंस्टाग्राम पे भी आप ये कर सकते हो, और आप लोग ऐसे कर सकते हो कि भाई जैसे दराज वगैरह का ना एक एफिलिएट प्रोग्राम आता है। दराज तो जैसे बहुत बड़ी एक शॉप मतलब ऑनलाइन को आप ऐप है, लेकिन आप जैसे अमेजोन वगैरह है, अमेजोन तो उससे बड़ा है। अमेजोन मैं बोलूंगा स्टार्टिंग में अगर आप करो तो भाई अमेजोन का आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में अमेजोन अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो भाई देखो आप ये करो, एफिलिएट प्रोग्राम दराज का लिखो, दराज एफिलिएट प्रोग्राम। जैसे आप एफिलिएट प्रोग्राम लिखोगे ना गूगल पे जाके आपने लिखना है, तो आपके सामने दराज के एफिलिएट प्रोग्राम की एक लिंक आ जाएगी। वहां पर आप जाओ, अपना ईमेल वगैरह लिखो, नंबर वगैरह लिखो, सारी अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ना उस सारी दो, और जितने भी आपके जो शिनाख्ती कार्ड पर जो CNIC होता है, CNIC की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, आपका बैंक अकाउंट जो है उसका भी आप नंबर दो, बैंक अकाउंट की आईडी दो, अपना जो मतलब जो और एड्रेस वगैरह जो ना वो आपका जो CNIC पर लिखा है ना वही वाला एड्रेस दराज को दो। और भाई जो आप मतलब जिस सोशल मीडिया पर, अगर आपका इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है तो इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक वहां पर आप पेस्ट कर दो, वहां पर जाकर आपसे लिंक मांगेगा, लिंक पेस्ट कर दो, और भाई साइन अप कर लेना दराज एफिलिएट प्रोग्राम में। और भाई देखो उस पर हर किसी की अलग अलग परसेंटेज होती है, इस हिसाब से हर प्रोडक्ट की अलग अलग परसेंटेज होती है, लेकिन भाई देखो उसमें आपको फायदा काफी ज्यादा होगा। इस हिसाब से फायदा होगा कि भाई देखो अगर आपके एक प्रोडक्ट पर किसी ने जैसे आपने एक लिंक दे दिया, जैसे आप मैं मिसाल देते हैं एक मोबाइल का आपने लिंक दे दिया, एक मोबाइल का जैसे आपने लिंक दिया ना उसने उस वाले मोबाइल को परचेज नहीं किया, लेकिन उसी के नीचे रिकमेंडेशन में एक और प्रोडक्ट आ रहा है, एक और मोबाइल आ रहा है, तो उसने उस वाले को परचेज कर लिया, तो भाई आपको जो उस वाले की परसेंटेज मिलेगी वो भी आपके एफिलिएट प्रोग्राम के मतलब मुताबिक ही आएगा। लेकिन मैं आपको लिंक कैसे देगा, जब एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप कर लो तो उससे जाके जो आप जो भी एफिलिएट प्रोग्राम का जो प्रोडक्ट हो ना उसकी जाके आपने लिंक कॉपी करके इंस्टाग्राम पे पेस्ट करनी है, लेकिन इंस्टाग्राम की जो स्टोरी पर जाके आपने पेस्ट करनी है, लेकिन स्टोरी के लिए स्वाइप अप लिंक चाहिए होते हैं, स्वाइप अप के लिए आपको 10,000 फॉलोवर्स चाहिए होते हैं, तो इंस्टाग्राम पे थोड़ी बहुत मेहनत कर लो आप लोग, 10,000 फॉलोवर्स कमा लो तो मेरे ख्याल से एफिलिएट प्रोग्राम काफी ज्यादा एक अच्छे ऑप्शन रहेगा। 10,000 फॉलोवर्स हो जाएंगे तो एक तो देखो आपके पास स्वाइप अप वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप जो एफिलिएट प्रोग्राम वहां पर अच्छा खासा अपना कर सकते हो, एफिलिएट प्रोग्राम के साथ आपको स्पॉन्सरशिप भी शायद 10,000 फॉलोवर्स पे मिल जाएगा अगर आपकी एक एक्टिव ऑडियंस है तो। और अगर एफिलिएट प्रोग्राम का नहीं पता तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो आ जाएगी, लेकिन जब तक नहीं आ रही वो वाली वीडियो आप किसी और वीडियो को जाकर यूट्यूब पर वॉच कर सकते हो, लिख दो एफिलिएट प्रोग्राम मीन आज की वीडियो में इतना था। वैसे तो काफी सारे तरीके इंस्टाग्राम से कमाने के, लेकिन मैं इस वाली वीडियो में तीन तरीके इसलिए मैं आपको बताएंगे भाई एक ही वीडियो में सारा कंटेंट थोड़ी दे दूंगा। तो अगर बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो इस साइट पर जो भी आ रही करते हैं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और मेरे चैनल को भी तभी सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता हो, क्योंकि अगर आपको मेरा कंटेंट नहीं पसंद आएगा तो आप मेरे लिए एक नेगेटिव सब्सक्राइबर और मैं आपके लिए कचरा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा। मतलब आपको चल। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो TechAzfar ऑफिशियल मेरी आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे कंटेंट वाइज तो वहां पर आ जाओ, मैं आपको उसका रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल दे दूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था भाई, तो हमें याद